कहीं तौबा तो कहीं श्रद्धांजलि। पिछले 1.5 माह के भीतर केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के दामों में तकरीबन 100 रुपए की वृद्धि किए जाने से जहां मध्यम वर्गीय परिवारों में कसमसाहट है, वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश दिखा। खाली सिलेंडर अपने सिर पर उठाकर पैदल मार्च करते कांग्रेसी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए गांधी प्रतिमा तक पहुंचे और फिर यहां जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। इस आंदोलन में जिला उपाध्यक्ष तौकीर अहमद, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सैयद इकबाल अहमद, महानगर अध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कल धर्मशाला स्थित से ये जुलूस निकाला गया, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, गैस पर बिना श्रद्धांजलि देने का भी काम किया गया और ये गैस सिलेंडर ले जाकर हम लोग गोलघर से होते हुए काली मंदिर, शास्त्री चौराहा होते हुए राजघाट पर ले जाकर इसे विसर्जन भी करने का काम किया जाएगा। जिस तरह देखिए, एक हफ्ते में होली का त्यौहार है, लोगों के घर में पकवान कैसे बनेगा, गुजिया कैसे बनेगा, ये जनता से नहीं कोई मतलब है। भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को केवल मारना चाहती है, गरीबों को गरीब बनाना चाहती है, इसी को लेकर आज ये हम लोग विरोध प्रदर्शन काम करने का काम किया है। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भी होली से पूर्व रसोई गैस के दामों में सीधे 50 रुपए की वृद्धि को गरीब परिवारों के प्रति षड्यंत्र बताया। सपाइयों ने केंद्र सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नमूना बताया। रसोई गैस के दामों में वृद्धि का विरोध करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के ऊपर फूलमाला चढ़ाकर इसे विनम्र श्रद्धांजलि बताया। प्रदर्शन करने वालों में सपा नेता राहुल गुप्ता, आफताब अहमद समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिलेंडर की श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में आप देख ही रहे हैं कि वो गरीबों को पेट पर कितना लात मार रही है। अभी कल इसके पिछले में उन्होंने 50 रुपये बढ़ाया था सिलेंडर पे, 1150 रुपये सिलेंडर हो गया था, इस समय 1230 रुपये सिलेंडर कल हुआ, जो कि होली का समय निकट है, एक हफ्ता भी नहीं होली है और भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया था। कहीं ना कहीं इनके ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं गरीबों के ऊपर, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य है बड़ों को बढ़ाना और गरीबों को गरीब कर देना। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा काम कर रही है ये सरकार और कहीं ना कहीं गरीबों पर पेट पे लात मारने का काम कर रही है, जिससे कि गरीब और गरीब हो जाएं और उनके वहाँ जो भी पकवान बनने हैं वो ना बने, वो गरीबी में और भी लाचार होते चले जाएं। इसी सिलसिले में आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा के मार्फत सिलेंडर को लेकर गोलघर होते हुए राजघाट पर जाकर विसर्जन करने का काम करेंगे और साथ ही साथ विसर्जन के साथ साथ मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि कल बिजली के बिल में भी 23% की बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं 7% यूनिट वाली बिजली अब 10 रुपये यूनिट की बिजली हो जाएगी और गरीब कहीं ना कहीं अब अंधेरे में दिया जलाकर काम करने का काम करेगा। कहीं ना कहीं गरीबी और बढ़ती चली जाएगी और देश बहुत गर्त में चाहता चला जाएगा। देखते रहिए
अमीश नाथ।